hi and hello everyone. welcome back to sprint 2 wherein where in which we are discussing the history of tamil nadu vote of class 12th. this is chapter 3 uh, which is all about the marquis of Velisili. Vel 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 basically this is a summary session wherein which we are going to revise entire chapter 3 which we already have discussed in detail. so i'll highly request you to go and first uh, watch those detailed sessions and detailed discussions and then, and then after watching those sessions come here and watch these sessions. this is going to be really helpful to you so first of all we are going to discuss about the contents of this chapter so, the contents mein kya kya cheeze hain is chapter mein pehli baat to kya political conditions thi jab valesely bhai saab yahan par aaye the bharat mein aaye the subsidiary alliance system ki wajah se inko jana jata hai kya hai ye pura system हमने समझा है क्या features हैं benefits क्या हुए Britishers को defects क्या थे system में enforcement कैसे हुआ system का फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में uh, फिर मसूर की क्या हालत हुई सेकेंड मराठा वॉर कैसे हुआ एंड एस्टिमेट्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी दीज ऑल वर द कॉन्टेंट्स तो देखिए पहली बात करें तो जब वेलिसली की बात की जाती है ही वॉज अ ग्रेट ग्रेट इम्पीरियलिस्ट इम्पीरियलिस्ट यानी एम्पीरियलिस्ट का मतलब क्या होता है जो इम्पीरियल पावर्स अपनी इस्टेब्लिश करना चाहे ठीक है वो अपने आप को द बंगाल टाइगर बोलते थे वो बोलते थे कि हमें ब्रिटिश एम्पायर बनाना है भारत में एंड द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया करके इनको बनाना है अब देखिए द सिस्टम ही अडोप्टिड इन ऑर्डर टू गेन हिज ऑब्जेक्टिव वॉज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम दैट इज़ अ वेरी एक्सलेंट मूव ऑन हिज बिहाव इन ऑर्डर टू एक्वायर द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो ये जो था सब्सिडी अलायंस का सिस्टम था स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इन्होंने इंप्लीमेंट किया पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी भारत की जब वैले आए थे तो देखिए हर तरफ से छोटे 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 रिवॉल्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जमन शाह का ग्रेशन था है ना नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में आप कॉर्स मराठा थे निज़ाम हैदराबाद ठीक है वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच आर्मी अपने आप एम्प्लॉय करके रखी थी कर्नाटका रीजन में अनरेस्ट था टीपू सुल्तान तो था ही था फिर उसके बाद नेपोलियन आ रहा था बाहर से ठीक है जिसकी वजह से ब्रिटिश स्टेट्समेंस के अंदर थोड़ा सा डर था तो ये कंडीशन थी अब देखिए हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें अपने अंदर ली धीरे धीरे करके तो देखिए द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर फ्रॉम इंडिया वॉज द मेन मेन एम ऑफ वैलसली तो दो एम थे कि ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज मेंटेन करो क्योंकि इनके जो प्रोसीडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था थोड़े ढीले ढाले रूल्स लेकर आ गए थे चीज़ें आराम से चल रही थी बट ही वॉज़ वेरी वेरी द एम्पीरियलिज़म एक्सपैशनिज़म है ना एनेक्सेशन में भी बेसिकली फोकस करते थे तो उनके लिए इनको थोड़े रेडिकल मूव्स लेकर आने थे फिर उसके बाद जो अभी तक इनके जो प्रोसीडर्स थे जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी चला रहे थे उसको रिवर्स करना था है ना इनको उस चीज़ को रिवर्स करना था और इनका मास्टर प्लान था सब्सिडी अलायंस फाइनली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में जानते हैं so तो देखें जो अलाइज़ हैं इंडियन स्टेट्स के इंडियन स्टेट्स के रूलर्स के उनको क्या करना पड़ा इस सिस्टम के अंदर इनको पर्मानेंट गैरिसन देना पड़ा ब्रिटिश आर्मी के ऊपर को एंड एक्चुअली क्या था सपोज़ ये इंडियन किंग है ठीक और ये इंडियन किंग की टेरिटरी है अब इस टेरिटरी को सेफ कौन करेगा ब्रिटिश आर्मी ठीक है और अब ये ब्रिटिश आर्मी को सेफ करेगा किंग की टेरिटरी को तो किंग इस आर्मी को थोड़ा सा लैंड देगा कि वो अपने कैंप्स बना पाए और इनको पैसा देगा सो so दैट ये आर्मी मेंटेन कर पाए ठीक है अब और भी रूल्स थे अब इंडियन रूलर्स दूसरे जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको अप्रूवल नहीं दे सकता उनके साथ रिलेशंस नहीं बना सकता उसके साथ साथ दे कुड़ नॉट निगोशिएट विथ एनी अदर रूलर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल यानी कि आपस में जो पड़ोस में भाई बहन हैं इनके टेरिटरीज हैं इनसे भी बात नहीं कर सकते जब तक गवर्नर जनरल अप्रूवल ना दें ब्रिटिश रेजिडेंट्स वर ऑल्सो स्टेशनड इन द इंडियन कोर्ट अब यहाँ पर इनका जो कोर्ट होता है राइट right? किंग का उसमें एक यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंस भी होगा ये क्या थे प्रोविजन्स आपके सब्सिडी रिलायंस सिस्टम के इससे बेनिफिट क्या हुआ है ब्रिटिशर्स को तो इंपीरियलिज्म के लिए मास्टर स्ट्रोक था ठीक है जो तो टेरिटरीज थी कंपनी की अब क्या हुआ वो वॉर का जो रेवेंज था उससे दूर हो गई अफकोर्स देखो जो भी एनिमीज थे उनको ही प्रोटेक्ट करने लगोगे तो वो थोड़ी ना तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे <laughs> लड़ेंगे बाद में लेकिन फिर भी थोड़ी ना वो तुम्हारे एकदम आ, खिलाफ लड़ेंगे प्लस इनके इनमें ये भी प्रोविज़न था कि क्या करते थे अब जो राजा था जिसने दूसरों से प्रोटेक्शन लिया है वो खुद की आर्मी एम्प्लॉय नहीं कर सकता तो उसकी वजह से इनके जो खुद के सोल्जर्स थे वो भी कम हो गए यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ इन्होंने अपने एनिमीज़ की इंटर यहाँ पर लोगों की ही कम कर दी अब ब्रिटिश की जो पोजिशन थी वो स्ट्रेंथन हो गई देखो पहली बात तो इंडियन एनिमीज चले गए और नॉन इंडियन एनिमीज भी के लिए भी सपोर्ट मिल गया इंडियन इंडियन रूलर्स से ठीक है अब इस सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर वॉज़ वेरी वेरी ईजी इसी वजह से जो वे वैस, वेलेसिडी की डिप्लोमेसी बोली जाती है दैट इज सेट टू बी द पैरामाउंट पावर इन द इंडिया अब बात करते हैं कि सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम में क्या क्या डिफेक्ट्स थे सो so, पहली बात तो अनार की लेकर आए थे जैसे कि मैंने बताया कि जो सोल्जर्स राजा की आर्मी के थे वो अब क्या अनएम्प्लॉय हो गए थे जिसकी वजह से फिर वो बाद में पिंडारीज वगैरह का जो इवोल्यूशन हुआ वैसे ही हुआ फर्दर सब्सिडरी सिस्टम ने थोड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट लेकर आया प्रिंसेज में लेजी हो गए थे प्रिंसेज तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे इसकी वजह से मिसगवर्नमेंट हो रही थी और मिसगवर्नमेंट होने के बाद मिसरूल होने के बाद और ज़्यादा एनेक्सीशन होता गया ब्रिटिशर्स का अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट कैसे हुआ तो पहली बात हैदराबाद में अवध में तंजौर सूरत कर्नाटक डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम सिर्फ सब हेड्स जानेंगे हैदराबाद में देखो पहला स्टेट था जहाँ पे सब्सिडी अलायंस सिस्टम पहले से लेकर आए थे 1798 में अवध में जमन शाह था अफगानिस्तान का तो यहाँ पे भी सब्सिडियरी लाइन्स ट्रीटी के बाद फाइनली बहुत से आ, इतना ईजी नहीं था जितना यहाँ पे लिखा हुआ है बट एट द एंड ऑफ द डे अवध ने भी अनेक्स्ट कर दिया फिर तंजौर सूरत एंड कर्नाटक तो यहाँ से भी एक एक करके इन तीनों ने ट्रीटी कंक्लूड करी और अपने स्टेट्स जो हैं प्रोटेक्टेड एज अ प्रोटेक्टेड स्टेट दे दिया ब्रिटिशर्स को अब बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की सो देखो आप, चार्जिंग टीपू सुल्तान विद द प्लानिंग इंट्रीजिज इन इट्स नेबरिंग स्टेट्स विद फ्रेंच असिस्टेंस ब्रिटिश नाउ अटैक द मैसूर राइट फिर उसके बाद क्या हुआ बहुत ही शॉर्ट डिस्सिव वॉर था सेवनटीन नाइनटी नाइन में टीपू की डेथ हो गई श्री रंगपटनम में है ना और इसके बाद क्या हुआ फ्रेंच थ्रेट टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वज तो कम्प्लीटली एलिमिनेटेड क्योंकि देखो टीपू ने फ्रेंच वगैरह की हेल्प की थी और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फोर्थ में पूरा ही ख़त्म कर दिया फिर उसके बाद क्या हुआ मैसूर को सब्सिडी एलाइंस सिस्टम में लेकर आ गए और इनके जो पहले रूलर थे यानी कि वो वोद्या जो डेनेसटी थी वहाँ पे इनको आ, उसको वापस क्या कर दिया प्लेस कर दिया इसका मतलब क्या हुआ मसूर का इंडिपेंडेंस चढ़ा गया कुछ पार्ट मैसूर का निज़ाम को दे दिया गया जिसने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की और कुछ पार्ट क्या हुआ वैनात में रहा और कुछ पार्ट कंपनी ने ले लिया डायरेक्टली अनेक्स कर लिया अब बात करते हैं वेलेसली एंड मराठा इसके बारे में तो पूना में जब लाइक विद द ऑफ द टू स्टेटमेंट्स महाजी सिंधिया एंड नाना फडनवीस दे बिगिन ऑफ फेयर्स राइवलरी ऑफ पावर बिटवीन देम ओनली महाजी सिंधिया और दौलत राव सिंधिया जसवंत राव होलकर आपस में लड़ रहे थे तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम ट्राइड टू सिक्योर द थ्रोन एट पूना फिर उसके बाद बाजीराव टू आ गए ही 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 फ्लैट टू बसीन, बस फिर उन्होंने अपने ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिशर्स के, सा, के साथ डर के ट्रीटी ऑफ बसीन के अंदर पेशवा ने सरेंडर कर दिया सूरत को और जो आ, क्लेम्स थे चौथ वग़ैरह वो सब निज़ाम को निज़ाम के वो सारे दे दिए फिर सेकेंड मराठा वॉर हुआ दौलत राव सिंधिया महाजी भोसले उन्होंने दे टुक ट्रीटी ऑफ बसिन एज ए इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर ऑफ मराठा वेलेसिली ने अपॉर्चुनिटी देखी वॉर डिक्लेयर कर दिया फिर जो ऑर्थोर वैलिसली थे उन्होंने अहमदनगर कैप्चर कर लिया सिंधिया भोसले के कंबाइंड फोर्सेज को डिफीट किया फिर उसके बाद आर्थर भोसली ने वॉर रखा भोसले के खिलाफ फिर मराठा उसको हटा हरा दिया एक एक करके बेसिकली उन्होंने जो पूरे मराठा पावर है उनको वैनिश कर दिया और आपका सेकेंड मराठा वॉर हो गया टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ वेलेसिली सो so, बेसिकली सबसे अच्छा इनका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो क्या कर रहा था ये एनेक्सेशन कर रहा था ठीक है बट एनेक्सेशंस वॉर के थ्रू सिर्फ नहीं कर रहा था ये कर रहा था थ्रू डिप्लोमेसी इज़ वेल थ्रू स्ट्रेटेजी इज वेल राइट ही वॉज द ग्रेटेस्ट एम्पायर एम्पायर बिल्डर धीरे धीरे इंग्लैंड में अगर सॉरी भारत में इंग्लैंड का रूल है जो एक्सपैंड किया है पॉलिटिकल पावर के उस पर तो वेलेसिली का बहुत बड़ा हाथ है So this is it about the entire session. I hope you liked this video. And if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic-wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice early. So identify mistakes and work to improve your performance. एंड स्प्रिंट यू पी एस सज अ परफेक्ट ऐप टू डॉल ऑफ दिस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी एस एप यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू पी एस सी इसके लिए परफेक्ट ऐप है आर दिल सी सो इन दस्क्ट वीडियो थैंक यू वेरी वेरी मच